हेलो फ्रेंड्स, कई सारे बदलाव गर्भधारण से 9 महीने तक गर्भवती महिला के शरीर पर होते हैं। कई महिलाएं इन बदलावों से अनभिज्ञ रहती हैं। कई महिलाएं तो डर जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूं पेट पर बने ब्लैक लाइन की, जो पेट के निचले भाग पर होता है, नाभि के आसपास लंबी लाइन होती है। ये ब्लैक लाइन क्यों होता है? दोस्त, ये ब्लैक लाइन का मतलब हार्मोनल चेंज होता है। कई महिलाओं को ये लाइन कम होती है और कई महिलाओं को ज्यादा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि महिलाओं में कितना हार्मोन इंबैलेंस हुआ है। जैसे किसी महिला को उल्टी कम होती है तो किसी को बहुत ज्यादा होती है, वैसे ही ये लाइन भी है। किसी महिला को डार्क होती है तो किसी को लाइट, किसी को छोटी होती है, किसी को लंबी। आप इस लाइन को बनने से रोक नहीं सकते, क्योंकि ये नेचुरल लाइन होती है। इसको प्रेगनेंसी लाइन भी कहते हैं। ये शिशु जन्म के बाद अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, पर कई महिलाओं में ये गहरा दाग छोड़कर जाते हैं। दोस्तों, कई महिलाओं का मानना है ये लाइन लड़का या लड़की जानने का एक तरीका है। पेट पर बनी यह लाइन जो नाभि के पास होती है, इस बात का इशारा करती है कि गर्भ में लड़का है, और यही लाइन नाभि से अगर नीचे तक जाती है तो इस बात का इशारा करती है कि गर्भ में लड़की है। आप समझ गई होंगी मेरी बात को। लोग ये कहते हैं कि नाभि से अगर ऊपर यह लाइन बनती है तो लड़का होने की निशानी है, और नाभि से नीचे जाती है तो लड़की होने के निशान। दोस्तों, गर्भ में लड़का या लड़की होने पर भी महिलाओं के मूड में अलग अलग बदलाव आते हैं, और ये लाइन सिर्फ हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। दोस्तों, मैंने दोनों तथ्य आपके सामने रखे हैं। अब आप ये समझ गई होंगी कि गर्भावस्था के दौरान पेट पर ये ब्लैक लाइन क्यों होती है। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।